भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। अपनी ही पार्टी पर इतना संगीन आरोप लगाती बीजेपी लीडर संघमित्रा मौर्य का ये बयान सूबे की इस वक्त की अहम सुर्खी है। आरोप है कि बीजेपी छोड़कर समाजवादी हो चुके उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर जानलेवा हमला किया गया कुशीनगर की जनसभा से लौटते वक्त। आरोप है कि मौर्य के समर्थकों का काफिला जब खलवा पट्टी गांव के पास पहुंचा तो समर्थकों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर पथराव कर दिया और करीब 15 गाड़ियां इस हमले में बुरी तरह शत विशत हो गईं। हमले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य अपनी ही पार्टी पर आग बबूला हो गई हैं। क्या कुछ कहना है उनका, पहले वो सुनिए। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। फिलहाल इस हमले के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य और उनके सैकड़ों समर्थक कुशीनगर के गोडरिया बाजार में जमा हो गए और आरोपी बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस कथित हमले को लेकर समाजवादी पार्टी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। आज निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्धारित रूट मार्ग से समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी डंडा हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है, मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है, सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा के मारा है। क्योंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मैं मेरी गाड़ी जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई, मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिसे मैं चलता हूँ, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस नंबर पर इन लोगों ने हमला किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।